हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, आरएआईबी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। ना फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्जरी कहाँ डिफाइन की गई है। ऑप्शन ए इज सेक्शन 465, ऑप्शन बी इज 463, ऑप्शन सी इज सेक्शन 464 एंड ऑप्शन डी इज सेक्शन 467। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 463 में। क्राइम इज असेंशियली एन इमोरल एक्ट, एन इलीगल एक्ट, असेंशियली एन सोशल रीअप्रिहेंसिबल एक्ट, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एन इलीगल एक्ट। क्राइम क्या है? एक इलीगल एक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पेनल कोड कम इनटू फोर्स फ्रॉम 6 अक्टूबर 1860, 1 सितंबर 1873 एंड 1 जुलाई 1882 एंड नन ऑफ द अबव। देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट हैव बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860। हमारे इंडियन पेनल कोड में कितने टाइप की पनिशमेंट जो है वो डिफाइन की है। ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज 4। देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट जो है वो आईपीसी में डिफाइन की है सेक्शन 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट, मीन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द कैटेगरी ऑफ द क्रिमिनल शुड बी डिटरमाइंड बाय जनरल लॉ एंड बी द पेनल स्टैट्यूट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड और कंस्ट्रूड एंड सी इज शुड बी एक्सपोज्ड फैक्ट टू पेनल लॉ एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। देन राइट आंसर इज द पेनल स्टैट्यूट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय और कंस्ट्रूड, मीन जो पैनल स्टैट्यूट होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन इंग्रेडिएंट इन मेंसरिया, इनमें से कौन से जो है इंग्रेडिएंट नहीं है मेंसरिया के। देन फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड पब्लिक न्यूसेंस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज मैक्सिम एंड डी इज ऑल ऑफ द ऑल करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट, मीन मेंसरिया बोला है, मेंसरिया के कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो इंग्रेडिएंट नहीं है और ना ही पब्लिक न्यूसेंस है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, ये भी नहीं है, ठीक है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रेटनिंग टू कमिट अ सर्टन एक्ट, मीन किसी एक्ट को करने के लिए डराया जाना जो कि फॉरबिडन है इंडियन पेनल कोड में, एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन ए इज मिसरिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी इज फ्रॉड एंड ऑप्शन सी इज कोशन एंड ऑप्शन डी इज मिस्टेक। देन राइट आंसर इज सी, कोशन, ठीक है। कोशन बोले किसी को डराना किसी एक्ट करने के लिए जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, फॉरबिडन बाय आईपीसी है, देन दैट इज कोर्शन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग, मीन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किसी चीज को छुपाना, ठीक है, जो कि ऐसा फैक्ट छुपाया जा रहा है जो कि जरूरी है, तो वो क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन है या अंडू इन्फ्लुएंस है या सी फ्रॉड है या मिस्टेक है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रॉड है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चेंज ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज, मीन बोला है ऑप्शन ए इज नोशन, ऑप्शन बी इज रिसेशन, इज सी इज अल्ट्रेशन एंड रेपुडिएशन। देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नोशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलीगल मीन एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, इलीगल बोला इलीगल का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग मतलब जो कि एक ऑफेंस है, जो कि एक फॉरबिडन बाय लॉ है, फर्निश ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन है एंड डी इज ऑल आर द करेक्ट।
देन आर राइट आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट. मीन एक इलीगल तब होगा यदि कोई ऑफेंस किया जा रहा है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है और फर्निश अ ग्राउंड ऑफ फॉर द सिविल एक्शन है. ठीक है, देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफेंस मीन अ थिंक मेड पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड, अ थिंक मेड पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड और स्पेशली और स्पेशल और लोकल लॉ इन अ सर्टेन केसेस और सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जो कि बुझला है द टर्म ऑफेंस मीन, एक ऑफेंस का मतलब क्या है जो कि पनिशेबल है हमारे इंडियन पेनल कोड में, या तो पनिशेबल है इंडियन पेनल कोड और साथ ही साथ में किसी स्पेशल और लोकल एक्ट में किसी किसी केसेस में. ठीक है, सर्टेन केसेस की बात की है, देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज एज अ मेल ह्यूमन बींग. बोला है जो सेक्शन 10 में मैन की जो मैन को जो डिफाइन किया है वो क्या है, एक मेल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए एनी एज और अबव द एज ऑफ 16 एज, अबव द एज ऑफ 18 इयर्स एंड नन ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इज एनी एज. सेक्शन 10 है हमारा इंडियन पेनल कोड में जिसमें बोला है कि अ मैन कौन होगा, अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, जिसमें एज को कहीं भी जो है वो बताया नहीं गया, सिर्फ ये लिखा है एनी एज. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, इज लिक्विडेटर, अ सिविल जज, अ मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरी ऑफ नॉन सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ पंचायत जो असिस्ट करे कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट नहीं होगी. बाकी एक सिविल जज भी पब्लिक सर्वेंट है, जो सेक्रेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो भी पब्लिक सर्वेंट है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीइंग द आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ आईपीसी. जो बोला है सेक्शन 34 क्रिएट करता है क्या एक स्पेसिफिक ऑफेंस, वेयर एज सेक्शन 49 जो है वो क्रिएट नहीं करता है कोई ऑफेंस. एंड ऑप्शन बी बात करता है सेक्शन 34 एंड एज वेल एज सेक्शन 149 जो है क्रिएट करते हैं स्पेशल स्पेसिफिक ऑफेंस. एंड सेक्शन सी, ऑप्शन सी बोलता है सेक्शन 149 जो है क्रिएट करता है स्पेसिफिक ऑफेंस वेयर एज सेक्शन 34 डज नॉट. ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज सेक्शन 34 एज वेल एज सेक्शन 149 डू नॉट क्रिएट अ स्पेसिफिक ऑफेंस इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कि सेक्शन 149 जो है वो क्रिएट कर सकता है स्पेसिफिक ऑफेंस, बट जो सेक्शन 34 है वो हमेशा ही किसी ऑफेंस के साथ, ऑफेंस के सेक्शन के साथ जो है अटैच होता है. वो अकेला सेक्शन 34 जो है वो कोई ऑफेंस जो है क्रिएट नहीं करता. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड करता है फॉर द लाइबिलिटी बेस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन कंसीडर द फॉलोइंग दिस सिचुएशन, जिसमें बोला है द पैपन यूज इन द ऑफेंस वॉज फाउंड इन एज हाउस और ए हैज प्रोक्यूर्ड प्रोड्यू द पैपन ऑफ ऑफेंस वॉलंटरली टू एड द क्रिमिनल गैंग एंड थर्ड ऑप्शन इज ए वॉज कंप्लीट कंपेल्ड अंडर द थ्रेट ऑफ हिज लाइफ प्रोक्यूर द पैपन ऑफ ऑफेंस. एंड ऑप्शन फोर क्या बोलता है, द ऑफेंस वॉज सप्लाइड और रिसिप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ अ वेपन सेल. इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है करेक्ट इंग्रेडिएंट रिगार्ड द सेक्शन 34, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है. क्या ए एंड वन एंड टू करेक्ट हैं, या टू एंड थ्री करेक्ट हैं, या टू ओनली है, या फोर ओनली है. देन राइट आंसर इज ऑप्शन टू, ए हैज प्रोक्योर्ड द वेपन ऑफ ऑफेंस वॉलंटरली टू एड अ क्रिमिनल गैंग, ये बात करता है कॉमन इंटेंशन की. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी क्रिएटेड सब्सटेंटिव ऑफेंस इज अ रूल ऑफ एविडेंस इज बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए एंड ए और नॉट बी.
बोला सेक्शन जो 34 है क्या क्रिएट करता है सब्सटांटिव ऑफेंस और इज अ रूल ऑफ एविडेंस है या बोथ ए एंड बी है और ना तो ए एंड बी नहीं है. देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज अ रूल ऑफ एविडेंस. ये क्या है सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है. ऑफेंस जो है क्रिएट सब्सटांटिव ऑफेंस जो है वो क्रिएट नहीं करता है सेक्शन 34. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एस्टैब्लिश सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड कॉमन इंटेंशन टू प्रूव बट नॉट ओवर एक्ट वी प्रूव्ड एंड कॉमन इंटेंशन एंड ओवरट एक्ट बोथ वी प्रूव्ड एंड ऑप्शन सी इज कॉमन इंटेंशन नीड नॉट बी प्रूव्ड बट ओवरट एक्ट वी प्रूव्ड एंड ऑप्शन डी इज नन. देन राइट आंसर क्या है कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड बट नॉट बी नॉट ओवर एक्ट बी प्रूव्ड. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 एम्प्लाइज टू सिमिलर इंटेंशन. ठीक है. जो सेक्शन 34 है जिसमें कॉमन इंटेंशन है वो इम्प्लाइज करती है क्या सिमिलर इंटेंशन को प्री अरेंज प्लान प्रीविटी ऑफ माइंड. मतलब पहले से कोई प्री अरेंज प्लान हो चुका हो या प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज हो या ऑल ऑफ दीज हो. ठीक है. तो सेक्शन जो 34 है वो बात करता है क्रिमिनल इंटेंशन कॉमन इंटेंशन मीन अ सिमिलर इंटेंशन मीन जितने भी लोग जो उस ऑफेंस को करने के लिए गए हैं चार पांच लोग जो उनकी क्या है सिमिलर इंटेंशन है. ठीक है. तो वो बात करता है सेक्शन 34. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन टू ऑल ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट सेम मैनर इफ वर डन बाय हिम अलोन एंड सी इज ईच सच पर्सन इज लाइबल अकॉर्डिंग टू द गिल्ट एंड डी इज नन इज करेक्ट. मीन ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है बाय सेवरल पर्सन मतलब एक दो पर्सन से ज्यादा पर्सन मतलब दो या तीन ज्यादा चार पर्सन जितने भी पर्सन है उनके द्वारा जो है वो एक्ट किया जा रहा है क्रिमिनल एक्ट किस इंटेंशन से कॉमन इंटेंशन से. तो क्या होगा सारे ही पर्सन जो होंगे वो लाइबल होंगे इस एक्ट को करने के लिए या सारे ही पर्सन लाइबल होंगे उस एक्ट करने के लिए सेम मैनर इफ वर डन बाय हिम अलोन. ठीक है. और बात करता है ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल अकॉर्डिंग टू द गिल्ट मतलब जितना जिन्होंने जो काम किया है ऑफेंस किया है उतने के लिए गिल्ट होंगे. देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी मीन हर कोई पर्सन जो कि जिनके द्वारा जो कि उस उनकी क्रिमिनल सिमिल कॉमन इंटेंशन है वो क्या होंगे लाइबल होंगे फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर. ठीक है. वेयर डन बाय हिम अलोन चाहे वो एक्ट उस पर्सन के द्वारा किया गया है या नहीं किया है बट जो ऑफेंस जहां पर किसी ऑफेंस को करने की क्रिमिनल जो कॉमन इंटेंशन है जितने भी लोग जो हैं उस मतलब उनके बीच में कोई जो उस एक्ट को करने के लिए गए हैं और उनकी जो है कॉमन इंटेंशन है तो हर कोई पर्सन जो होगा वो लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 34 में क्या है फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी होगी या फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी टू ऑल एंड फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर द पार्टिसिपेशन बट नॉट ऑल केसेस. देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज सी सेक्शन 34 बात करता है फिजिकल प्रेजेंस क्या है नेसेसरी फॉर द पार्टिसिपेशन बट नॉट ऑल केसेस मीन सारे ही केसेस में क्या है फिजिकल प्रेजेंस जो है वो जरूरी नहीं है. ठीक है. जितने भी लोग जिनकी कॉमन इंटेंशन है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए और वो दोनों बहुत वो क्या है साथ में गए हुए हैं तो बोला है वो सारे ही लाइबल होंगे उस ऑफेंस को करने के लिए. ठीक है. या तो उनकी बोला है फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है बट किसी किसी केसेस में नहीं भी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 देयर मस्ट बी एटलीस्ट बोले टू पर्सन होने चाहिए मोर देन टू पर्सन होने चाहिए फाइव पर्सन होने चाहिए और नन ऑफ द अबव होने चाहिए मीन एटलीस्ट कितने पर्सन होने चाहिए. देन टू पर्सन भी होंगे तब भी दो पर्सन की कॉमन इंटेंशन की बात करता है सेक्शन 34. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 इज दैट वेयर एज द
सेक्शन 34 देर मस्ट बी एटलीस्ट 5% एंड सेक्शन 149 रिक्वायर ओनली 2%। बोला है इनमें जो सेक्शन 34 है और 149 है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या ये बात करता है सेक्शन 34 कि एटलीस्ट 5% होने चाहिए और सेक्शन 149 जो बात करता है कि ओनली 2% होने चाहिए। ऑप्शन बी बात करता है क्या सेक्शन 149 इज ओनली रूल ऑफ एविडेंस है बट वेयर एज सेक्शन 34 जो है क्रिएट करता है स्पेसिफिक ऑफेंस एंड प्रोवाइड फॉर द फॉर इट्स पनिशमेंट, एंड जो सेक्शन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बात करता है सेक्शन 34 रिक्वायर करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एक्टिव, वेयर एज सेक्शन 149 रिक्वायर मेयर पैसिव मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, इसकी बात करता है या डी बात करता है, नन ऑफ द अबव। देन राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जिसमें बोला है सेक्शन 34 क्या करता है, रिक्वायर करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एक्शन, मतलब किसी भी एक्ट को करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, बट सेक्शन 149 जो है रिक्वायर करता है मेयर पैसिव मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जिसमें अनलॉफुल असेंबली की बात की गई है 5 or more person होने चाहिए उस अनलॉफुल असेंबली में, वो बात की है सेक्शन 149 में। ठीक है, ओके देन यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप आईपीसी की भी वीडियो देख सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं, और इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि प्रेस करिएगा बेल आइकन ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।